हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हटा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का ना डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड में सबसे ऊपर आपको डॉट का ही ऑप्शन है, डॉट पर टैप करना है। आपका एक ये पेज आएगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको नीचे सेटिंग पर टैप करना है। तो ये सॉरी गलती से दूसरा ऑप्शन टैप हो गया, तो इस सेटिंग पर टैप करेंगे तो आपका ये वाला पेज आएगा। इसमें आपको नीचे ये कॉलिंग अकाउंट पे टैप करना है तो आपका ये पेज आता है। इसमें आपको ना अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे ये कॉल फॉरवर्डिंग पे टैप करना है तो आपका ये पेज आता है। इस पेज में आपका ना रीडिंग सेटिंग होगा इस तरीके से थोड़ी देर तक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा 10 से 15 सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है ना। देखिए जब आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है ना, तो इसमें आपको सबसे ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। देखिए इसे टैप करने से पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे देखिए जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस मोबाइल नंबर को ध्यान में रखना है। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये ऑलवेज फॉरवर्ड का ऑप्शन टैप करना है तो आपका ये छोटा सा पेज आता है। इसमें आपको ये नीचे टर्न ऑफ का ये ऑप्शन टैप करना है। ये एफ लेटर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये टर्न ऑफ का ही ऑप्शन है, टर्न ऑफ पे टैप करना है तो आपका यहाँ पे पेज जो है ना अपडेट होगा थोड़ी देर तक। तो आपको यहाँ पे फिर से 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा पेज जो अपडेट हो गया, अब यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा था ना, अब वो मोबाइल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ गया है, तो इस तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है हट जाती है, ठीक है। अब देखिए सेटिंग के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने से पहले ये सेटिंग कैसे काम करती थी कि जब कोई भी पर्सन मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करता था तो वो जो कॉल है मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं आती थी, वो कॉल उस वाले नंबर पे चली जाती थी जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा था पहले, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इस कॉल फॉरवर्डिंग को हमने हटा दिया है। अब ये हटाने के बाद कैसे काम करेगी, अब देखिए, अब कोई भी पर्सन मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा ना, तो वो कॉल सीधा मेरे मोबाइल नंबर पर ही आएगी, अब वो कॉल उस वाले नंबर पर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग हटाने के बाद ये सेटिंग ऐसे काम करती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर भी कॉल फॉरवर्डिंग अगर लग रखी है तो उसे आप जो ना कॉल फॉरवर्डिंग को अगर लग रखी है तो इस तरीके से आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं, और अगर लग रखी है तो इस तरीके से आप इजीली अपने फोन से कॉल फॉरवर्डिंग को हटा सकते हैं। नहीं तो आपके मोबाइल नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं तो आपके सारे के सारे जो कॉल है वो दूसरे नंबर पर चली जाएगी, आपके नंबर पर कोई भी कॉल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से कॉल फॉरवर्डिंग हटा सकते हैं, ठीक है ना।